हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अभी सुबह सुबह का समय है, अभी 5:04 हुआ है और अभी अभी आया हूँ मैं सुबह सुबह टहलने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खेत ही खेत है। आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ गेहूँ सुखाने के लिए। इतना धूप है तो वहाँ पे गेहूँ सुखा रहा हूँ और उसके बाद जाऊँगा गेहूँ को पिसवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैं छत पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे छत में बैठा हुआ हूँ और गेहूँ सूख चुका है। अब उसको उठाते हैं और लेके चलते हैं पिसवाने के लिए। हम लोगों का गेहूँ पिसा गया है और आटा बन गया है। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ हटिया सब्जी लाने के लिए। ये मेरा हाथ में झोली है और यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का पटरी है। जब भी आप रेलवे का पटरी क्रॉस करेंगे ना, तो दोनों तरफ देख लीजिएगा, कोई ट्रेन नहीं है, इधर भी कोई ट्रेन नहीं है। वहाँ पे रोड है, रोड का फाटक खुला हुआ है जहाँ से गाड़ी पार होता है, वो भी देख लीजिए। फाटक खुला है इसका मतलब ट्रेन नहीं आएगा, और एकदम देख के पार हुई है। ऐसे चारों बगल रोड है, वहाँ से और उधर से रोड है। लेकिन मैं यहाँ से आदमी को जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये रेलवे का है घर, यहाँ पर रेंट लगाता है कभी कभी शादी ब्याह के समय। ये देखिए पूरा मिट्टी गिरा हुआ है। अभी मैं हटिया जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, झोली पॉकेट में पैसा है 200 रुपया, 200 रुपया में ही यहाँ सब्जी लेना है। तो चलिए चलते हैं, रास्ता में दिखाऊंगा। और ये मैं भी हूँ यहाँ पर। आज को बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कहे कि एक पूजा भी आ रहा है पास में। कौन सा पूजा है तो नाम तो अभी भुला गए, पर है पूजा है इसीलिए थोड़ा भीड़ है। भिंडी किधर? 20 इधर साग 10 रुपये का 3 साग। करेली कैसे? करेली 20। अभी यहाँ परब है, सब परब का ज़्यादा महंगा दाम हो गया है। परब का पूरा हटिया भीड़ है। यहाँ पर हल्दी मसाला सब मिल रहा है, नाक में चला जाता है, छिकवाता है सब, सूखा मिर्ची हल्दी सब।
सर नाक में चला जाता है, सिर्फ छिकवाता है। तो दोस्तों 100 रुपया का सब्जी ले लिया और अब जा रहा हूँ घर। तो अभी फ़िलहाल मैं रास्ता में हूँ, लेकिन यहाँ पे जब कोई लोग आते जाते हैं तो मुझे वीडियो बनाने बहुत अजीब लगता है, तो इसीलिए मैं जल्दी बनाता नहीं हूँ सबके सामने। फिर से उसी जगह पर आ गया हूँ, रेलवे पटरी पे। लाल बत्ती वहाँ जल रहा है, तो ट्रेन आएगा नहीं, फाटा खुला हुआ है, गाड़ी पार हो रहा है। तो कोई ख़तरा है नहीं। तो 100 रुपये का खर्चा हुआ हटिया में और 100 रुपया बच गया। तो चलते हैं घर। और ये मैंने एक कुआ लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये कुआ लिया है। कुआ डाब की तरह रहता है लेकिन अंदर में कुआ रहता है, इसको भी खाना चाहिए गर्मी के मौसम में। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं घर आ गया हूँ और पैर हाथ धो लिया। ये जो मुंह में आप पानी देख रहे हैं, ये मैं मुंह धोया हूँ, पसीना नहीं है। तो 100 रुपये का सामान खरीदा हटिया में से और आ गया घर पर। तो दोस्तों कल को आंधी आया था और बहुत ही ज़ोर से आंधी आया था, तो यहाँ पर बिजली 2 दिन से नहीं है और इन्वर्टर का भी बैटरी डाउन हो गया है, घर पे लाइट है नहीं। तो अब आने वाला है, ठीक कर रहा है, ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। मैं कहीं भी जाता हूँ और कोई भी सामने से आ जाता है तो मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत अजीब सा लगता है कि कोई यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे हाथ में ऐसे उठा के कैमरा लेके वीडियो बनाता हूँ तो अजीब सा लगता है। जैसे टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग कैमरा लेके वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वहाँ पर वीडियो बनाने में मुझे अजीब नहीं लगता क्योंकि वहाँ सभी लोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बनाता नहीं है, मैं ही बनाता हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी बनाता नहीं हूँ, मेरे ब्लॉग बहुत दिन के बाद आते हैं। कोशिश करूँगा कि अब मैं जल्दी से जल्दी बनाऊँ, रोज़ बनाऊँ, ऐसा कोशिश करूँगा, देखते हैं होता है कि नहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोशिश करूँगा कि रोज़ बनाऊँ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय।